गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज की क्लास में हम क्रांतिक कोण पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने माध्यम बताए थे कि दो तरह के होते हैं। एक माध्यम बताया था सघन माध्यम और दूसरा माध्यम बताया था विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती थी तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब से दूर हट जाती थी, और जब विरल माध्यम से वो सघन माध्यम में आती थी तो अभिलंब की ओर झुकाती थी। ये बात हमने आपको पढ़ाई थी। अब हम लोग देखते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। उसी के आगे क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल या क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल भी इसको बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल या क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल। तो जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जैसे ऐसे अगर ये माध्यम ऊपर का माध्यम, ये पूरा सघन माध्यम हो और ये नीचे जो आप ये देख रहे हैं ये पूरा माध्यम विरल माध्यम हो, तो जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये हम आपको बताए थे। तो अगर ये कोई प्रकाश की किरण आए और वो अभिलंब से, हमने कहा ये दूर हटे, लेकिन वो इतनी दूर हटे कि जो ये लाइन देख रहे हो, ये जो तल जो दोनों माध्यमों को अलग अलग विभाजित कर रही है जो लाइन, उसी लाइन पर ही चला जाए, ऐसे इसी लाइन पर ही चला जाए, मतलब इस माध्यम से 90 डिग्री का कोण बनाए। इस माध्यम से कितना कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए। तो जो ये आपतन कोण है इसको हम क्रांति कोण कहते हैं, और क्रिटिकल एंगल को हम क्या लिखे हैं, सी। तो इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं पर इस सी को ऐसे भी लिखा जाता आई सी, क्योंकि इसको क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल भी बोलते हैं, इसलिए इसको कहीं कहीं पर आई सी से भी प्रदर्शित कर दिया गया है। तो अब इसकी परिभाषा कैसे बनी क्रांतिक कोण की, अगर आप लोग कॉपी पर लेके बैठे हो तो परिभाषा अगर भूल गए हो, हमारी ना लिखी हो पहले की, तो आप लिख भी सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसकी वजह से विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो वो कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या है क्रांतिक कोण, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसकी वजह से विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो क्रांतिक कोण कहलाता है। अगर सघन माध्यम जो है उसका अपवर्तनांक n है, n1 n2 भी लिख सकते हैं, और जो विरल माध्यम है वो अगर मान लो कि y है, अगर हमने मान लिया क्या है विरल माध्यम y है, यदि क्या है ये माध्यम y है, तो इसका अपवर्तनांक आपको पता है क्या होगा, इसका अपवर्तनांक 1। इसका अपवर्तनांक कितना होगा, 1। अब स्नेल का नियम हमने आपको बताया था कि n1 sin i बराबर n2 sin r। जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो कौन सा नियम लगाएगी, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या कहता है, n1 sin i बराबर n2 sin r। तो n1 क्या है, पहला माध्यम, यहाँ पे लिख रहे हैं n, ऊपर लिखे दे रहे हैं ये रफ करके, यहाँ पर ये पहला माध्यम क्या है n1 की जगह पर n, और sin i, i मतलब आपतन कोण, तो कितना है sin c बराबर n2। हमने विरल माध्यम किसको लिया है, अगर वायु लिया है तो वायु लिखे, नहीं तो n1 n2 करके लिख दे। तो हमने क्या लिखा, वायु को 1 और n2 sin r, तो sin r हमने क्या लिखा है 90 डिग्री, तो m sin c और बराबर sin 90 कितना है 1, तो sin c बराबर हो जाएगा 1/n। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sin c बराबर 1/n या n बराबर 1/sin c। अगर उस सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो और आपको सवाल में क्रांतिक कोण दे दे, तो ये हमने लिखा n बराबर 1/sin c
या साइन सी बराबर वन अपॉन एन, ये रखना होती है क्रांतिक कोण की। अब क्रांतिक कोण से रिलेटेड जो सवाल आपकी किताब में दिए गए हैं उनको आप लगाइएगा, और नहीं आ रहे हैं तो हमने बताया ना, तुरंत उसकी फोटो खींचिएगा और हमें मैसेंजर पर भेज दीजिएगा, हम उसका क्वेश्चंस का वीडियो अलग से दे देंगे, आपको लगाइएगा इसके सवाल। अभी हम कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बताते चल रहे हैं। अगला क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक और घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद कौन सी घटना है अगली, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस घटना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। क्या होते हैं इसको, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होती है ये घटना, अब हम आपको बता रहे हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, उसके बाद तब आगे ध्यान से देखिएगा क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, अगर प्रकाश की किरण पहली बार सघन से विरल में जा रही हो, सबसे पहली शर्त तो यही है कि क्रांतिक कोण के बाद की घटना है ये, तो पहली शर्त तो यही है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। क्या है पहली शर्त, कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। अब हम कह रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो परावर्तन शब्द देखा तो तल पॉलिश डाल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, इसीलिए तो ये सिंपल परावर्तन नहीं है। क्या बोल रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये पॉलिश डाल तल नहीं है। ऊपर ये क्या है, अभिलंब, क्या है ये अभिलंब, इसको हमने क्या लिखा, अभिलंब। और अगर प्रकाश की किरण, ऊपर का पूरा माध्यम कौन सा है, सघन, और नीचे का माध्यम पूरा कौन सा है, विरल। अगर पहली शर्त है कि प्रकाश की किरण, यहां पे लिख दिया इस तरफ, ये पूरा माध्यम कैसा है, पूरे में है ऊपर सघन, तो प्रकाश की किरण सघन से विरल में तो जा रही हो, ये पहली शर्त हो, लेकिन वो जब इस माध्यम में ना जाए और इससे टकरा कर वापस लौट जाए, तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें भी आई और आर बराबर होते हैं, जैसे कि परावर्तन में आपके बराबर होते हैं कोण आई और कोण आर, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों के मान इसमें भी बराबर होते हैं। इसकी शर्त क्या है, दूसरी शर्त क्या है, इसकी दो शर्त होती हैं। सबसे पहली शर्त पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या है, हमने जो आपको अभी बताई कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, सबसे पहली शर्त तो इसकी यही है, ये पहली बात है इसकी जो हमने बताई कि पहली शर्त क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, कभी विरल से सघन में जा रही हो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। सबसे पहली शर्त तो इसकी यही है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, वो बात अलग है कि जा नहीं पाई, जा रही हो, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त इसकी ये है कि जो ये आपतन कोण का मान है, इसका मान ग्रेटर देन सी हो, मतलब क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो, आई इज ग्रेटर देन सी। पहली शर्त ये है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, और इसकी दूसरी शर्त क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो, तभी ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की देखने को मिलेगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाओं पर आधारित एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन आप लोग आराम से अपनी नोटबुक से पढ़िएगा, और हमने बताया ना कि जो भी प्रश्न आपका इस पे ना आए तुरंत हमसे पूछिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में आपको हम लेंस के बारे में बताएंगे, या जो आप प्रश्न पूछेंगे उससे रिलेटेड बताएंगे। थैंक्स लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।